क्यों तुमने चूजों पे हमला किया है? हाँ, इसने आपके चूजे को। अस्सलामुअलैकुम। नई सुबह के साथ, नई उम्मीदों के साथ, अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ दिन सुबह का आगाज़ किया। नमाज़ पढ़ी, उसके बाद बिल्लियों के लिए दूध डाला और उनको दूध रखा, फिर अम्मी के लिए दूध गर्म किया। डेली रूटीन मेरी यही होती है, पहले बिल्लियों को दूध रखती हूँ और अम्मी, ये बिल्लियाँ जो मैं नमाज़ पढ़ी हूँ मेरे आगे पीछे घूमती रहती हैं। तो उसके बाद दही मैंने खुद डाला और इस्तांबोल डाला उसमें खाने के लिए, अपने खाने के लिए जनाब, तो क्योंकि अभी तक मेरे मैदे में आराम नहीं आया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं सो गई और जब उठी फिर मैंने नाश्ता बनाया, बच्चों के लिए नाश्ता बनाया, चाय बनाई, आई गर्म हो गया। की करी है चाह कुत्ता? ये जनाब आर्यन की चाय। तो चाह कुत्ता का मतलब है चाय कहाँ है, हैं आर्यन? ए कहनो जी तुसी चाह। ए आ गई तुसी चाह। मेरी चाय। खुश चाय। ये बकखानी कौन ला खा रहा है? किसके लिए कोई बकखानी लेके आया था? बिलाल भाई। बिलाल भाई ने खाला लेके आई थी, पागल बेबी खाला जो आई थी ना? कल्ला जजा कल्ला बिल्ला। खाला को भी बोलो, खाला जजा से आया ना। ना नहीं खाला, पंखा भी बंद कर गया। मौसम से क्या मसला, उठो ना, गट्ठे नाश्ता करेंगे फिर चले जाओगी तुम अकेले। मामू मैंने इतने प्यार से नान चाय सब कुछ किया है, माँ के साथ नाश्ता भी नहीं करती। आज माँ घर है, आगे पीछे तो नहीं करती है तुम दोनों। आप माँ के साथ उठ के नाश्ता करो ना। तो जनाब उठा लिया बच्चों को, सबको साथ ज़बरदस्ती उठाया। फिर जनाब तफसीली सफाई का आगाज़ हुआ, चूँकि इतवार का दिन था और सारे घर की तफसीली सफाई करनी होती। वैसे तो फर्श है, इस पर क्या मैं तफसीलन सफाई करती, और ये फर्श बड़ा ख़राब है। तो पहले उस पर झाड़ू लगाया, उसके बाद भाई सेन धोया। वैसे सेन मैं नहीं धोती होती, मेरी बहू धोती होती है, लेकिन क्योंकि मैंने गंदम साफ़ करनी थी हमने ऐसे जल्दी जल्दी सेन धोया और कपड़े भी धोने थे। तो अम्मी कहने लगी सेन वाला काम फ़ारग हो जाए, चूँकि मुर्गियाँ रखी हुई हैं और आपको पता मुर्गियाँ जहाँ पर मुर्गियों की बहुत गंद होती है। ये मेरी सादी सी माँ मेरी वीडियो बना रही थी, आधा कैमरे पे अपना हाथ रखे, जबकि मैंने बनाने से पहले उनको बताया था मामा आप आगे कैमरे के आगे हाथ ले आती हैं तो ख्याल से बना, कहती हैं नहीं नहीं मैं ध्यान से बनाऊँगी, तुम कपड़े धो तो मैं तुम्हारी वीडियो बनाती हूँ। और जनाब फिर हमने साफ़ की गंदम, पहले उसको ज़मीन पे फैलाया ताकि उसमें से कीड़े निकले, चूँकि गंदम में कीड़े पड़ गए थे। वैसे हमने गोलियां डाल के रखी थी, लेकिन गोलियां ख़त्म होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता देखा तो गंदम ख़राब हो रही थी, तो इसमें इसलिए गंदम हमने फैलाया। साथ साथ आके मैंने अंदर अब्दुल समद की एक्सरसाइज शुरू कर दी, और देखें ये इसने मुझे इतना तंग किया था एक्सरसाइज करवाते, इतना शोर आ रहा था कि ना करो मुझे दर्द हो रहा है ये वो, और फिर खड़ा करते हुए उसकी ज़रा बातें सुने। बिरयानी कहाँ से आई अब्दुल समद? हमारे घर में बाजी ने भेजी। कौन सी बाजी ने भेजी है बिरयानी? सालन और बस इसरा बनाने, बिरयानी सालन और करवा बनाएगी। इसरा बीमार है, इंसान बिरयानी बनानी नहीं है, उसने कद्दू बना दिए हैं। इसरा बनानी बिरयानी सालन पर करवा बनाएगी। बिरयानी सालों कबाब बनाएगी अच्छे से, किसकी दावत है? किधर से आके बिरयानी? बिरयानी बिरयानी खा रहे हो? भाई भाई वजह से हाँ, थोड़ से इसके नीचे से ऊपर तक बना। मैं पागल नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इसका बिरयानी बिरयानी सालों। रुक जाओ। अरे
हाय गाइस ओए अफा मुझे ना माना प्लीज भाइयों के और फैलाने के बावजूद भी गंदम सही तरह साफ़ नहीं हुई। तो ये देखें जनाब, पंखा लगा के मैं गंदम साफ़ कर रही थी और मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा ये काम सारे कर रही हूँ। इससे पहले मैंने कभी ना हम गंदम तो कभी ख़रीदी नहीं, आटा लेते थे। ये यहाँ पर आके पिछले साल हमने ख़रीदी थी। और चूँकि हम मैं और अम्मी एक एक रोटी खाते हैं, फ्रा चावल खाते हैं और इतने हमारे घर में रोटी नहीं बनती, तो अल्हम्दुलिल्लाह गंदम एक साल पूरा करके अब दूसरा साल भी हमारा निकाल रही थी। तो लेकिन ये कि ज़ाहिर गंदी हो गई थी तो उसको साफ कर रहे थे। छोटू तुम क्या कर रहे हैं? हाँ छोटू के बच्चे, ये क्यों तुमने चूजों पर हमला किया है? हैं? खाने को नहीं मिलता तुम्हें? चूजा पकड़ के दस खाने खून खून लग गया था मुंह आता। हाँ इसने आपके चूजे को मार दिया। आज ही शाल की दावत है, मैक्रोनी बनी है शाल की खाते है। हाँ आपके लिए आप भी खातिर बनाई है क्योंकि आप हमारे मेहमान हैं। आज मेहमान है खुसूसी। ये बच्चे नहीं पीते तो बस सफरुल्ला हारिम दुआ पढ़ो बिस्मिल्लाह वाला बरकत ला बिस्मिल्लाह पढ़ो पहले शाबाश। दिल पे कलमी की सर पे ला इलाहा पानी साफ करते गोलियां डालते हैं। अब बहुत ज्यादा कीड़ा पड़ गया है। कौन? तो जनाब अभी व्लॉग को एंड करती हूँ। मैं मंजिल पर अड़ी थी तो अब्दुल समद मेरे पास बैठ के सुनता है, वो ऐसी मंजिल सुनता। और जब मैं इशा की नमाज़ पढ़ती तो कहता मामा अलिफ लाम मीम पढ़ो ना, मुझे वो चीज़ इतनी इसकी अच्छी लगती है। तो मैं बैठ के मंजिल पर अड़ी थी और वो सुन रहा था। और इससे अब मैं व्लॉग को एंड करती हूँ। मेरी वीडियो को अच्छी लगी हो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा प्यारे प्यारे। कल मिलते नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।